जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सिफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो सके। और 2023 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ दोस्तों, और आज हम बात करेंगे गणमुक्ति उत्सव के बारे में। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 चल रहा है, इसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जो गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट है, इसको स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया है। और इस गंगा के किनारे उद्योग के लिए 563 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्ताव दी है। हाँ दोस्तों, जो मंजूरी है 563 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर हरिद्वार की जो हरिद्वार है, उसका जो ब्रज घाट है, उसकी तरह इस गंगा ब्रज घाट को भी मॉडल और डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जिस प्रकार गढ़मुक्तेश्वर के पास से, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे होकर इसके निकट से होकर गुजर रहा है, तो इसी को लेकर उसके आसपास तो उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, और जिसके लिए 563 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस गढ़मुक्तेश्वर की जो क्षेत्र है, जो गांव देहात है, उसके क्षेत्र को किस प्रकार कवर किया जाएगा, तो इसके अंदर जो बनने जा रहा है वो है पर्यटन स्थल, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ का डिजाइन, गेस्ट हाउस, होटल और प्राथमिक प्रस्ताव, रेस्टोरेंट और हेरिटेज का भी निर्माण किया जाएगा। उसी के साथ साथ किस प्रकार कितना कितना करोड़ किस किस प्रकार खर्च किया जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 125 करोड़ रुपए पसवाड़ा होटल एंड रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से खर्च किया जाएगा। और उसके बाद 10 करोड़ रुपए राज रोग योगा एंड रिसर्च सेंटर के लिए किया जाएगा। और उसके बाद 32 करोड़ रुपए विलेज टूरिज्म क्षेत्र को दिया जाएगा, जिससे विलेज टूरिज्म है वो डेवलप किया जा सके। और 100 करोड़ रुपए SMC प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट जो सेक्टर है वो फैला जाए कि इस गढ़मुक्तेश्वर में। और आपके ब्रज घाट में 700 बीघा जमीन में बनेगा रिजोर्ट, विलेज टूरिज्म आदि का निर्माण किया जाएगा। और 132 करोड़ रुपए की धनराशि से उद्योग के लिए यहां पर प्रस्ताव रखे गए हैं, और ये लगातार जो प्रस्ताव है वो बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी जो गढ़मुक्तेश्वर है, इसके आसपास क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा और उद्योग कॉरिडोर, और यहाँ पर एक ब्रज घाट, जिसको हम स्मार्ट सिटी को हम बोल सकते हैं, तो 2024 से पहले 2023 में ये स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट सिटी में तब्दील होने के लिए, और 2024 तक ये तैयार होकर बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।